ವೀಡೋ hey, hey, <laughs> विनायक शेवटपर्यंत लेक्चर करणार आजचं टोटल लेक्चर करणार विनायक आजच चांगली गोष्ट आहे चांगली गोष्ट आहे मला वाटलं अर्ध्यातून जातो काय चलो जे चलो पुढचं करायचं सॉल्विंग किती किती झालं बोला रे फर्स्ट बीट आणि सेकंड बीट सॉल्व्ह व्हायला पाहिजे कुणा कुणाचा झाला बोला झाला असेल तर झाला फर्स्ट झाला सेकंड नाही फर्स्ट हो गया सेकंड नहीं हुआ सेंड करो कमेंट दो बीट्स होना चाहिए अभी चलो अभी कितना बीट्स होना चाहिए दो बीट्स होना चाहिए बोला किती झाले काय नाही सांगा मला वेव्स एंड साउंड का एंड वन डे आकांक्षा संपून घ्या फटाफट कंप्लीट करो फटाफट फड़ कंप्लीट करो फरी ओम सगळ्याचा सेकंड राहिला का रागिनी झाले दोन्ही छान श्री किती बोलू बोलू श्री श्री बोलू नाही नाही ओप कुछ ओपन नाहीये करू करू श्री करू, श्री करू। श्रुती किती एकच झाला कम्प्लीट करा सेकंड पण कम्प्लीट करा वैष्णवी सेकंड करा सेकंड ठीक आहे साक्षी जवळ झाला जवळपास सगळं चांगले आहे ठीक आहे वैष्णवी झाला शारदा सेकंड कंप्लीट करा कीर्ती कंप्लीट करा सेकंड चला बाकी ज्यांचे काय झालेच नाहीत का कंप्लीट करा सॉल्विंग चालू करा देवेंद्र काय कमेंट आली नाही काही नाही सॉल्विंग झालं का नाही सॉल्विंग करा श्रेयश कोणाकोणाच्या कमेंट आलेल्या नाही बघा वैभव सत्यजित प्रतीक्षा योगिता फर्स्ट झालं ठीक आहे बोला बाकीचे अमित झालं का नाही फर्स्ट बीड झाला कम्प्लीट करा सेकंड पॉईंट रुचा अर्र ती एररलेस कम्प्लीट झालं का नाही सॉल्विंग ते विचारलो मी एररलेसेस टू बिट्स कम्प्लीट करा झाले का श्री ठीक आहे अच्छा सॉल्विंग करा बा सॉल्विंग सॉल्विंग रेग्युलर वर करा चा खूप जास्त फरक पडते सॉल्विंग रेग्युलर वर करा खूप जास्त फरक पडते आणि मी जे विचारलो त्याच्याप्रमाणे करा मी सांगालो पण तुम्हाला फर्स्ट बीट हो गया अभी फर्स्ट कंप्लीट करो ऐसा मैं बोल भी रहा हूं ठीक है तो मैं जैसा बोल रहा हूं उसके हिसाब से कंप्लीट करो बीट्स बहुत बेनिफिट होता है फिजिक्स को ठीक है ठीक है चलो तो अभी आगे क्या देखने का है देखो आगे क्या देखने का है रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल व्यू अभी इसमें कुछ भी लफड़ा नहीं है कुछ कंफ्यूजन नहीं है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग अलग बुक्स में थोड़ा सा अलग अलग दिया है कुछ तो लफड़ा करके दिया है तो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा याद रखो मैंने तीन चार बुक्स देखा है उसमें से मैं बोल रहा हूं देख के जो आ, मुझे लगा करेक्ट है वो मैं दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिया है अलग अलग बुक्स में ठीक है चलो तो क्या है लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव चलो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव या फिर साउंड वेव बोला तो भी चलता है साउंड वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव है रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव तो एट रिजिड एंड एट रिजिड एंड या फिर एट रिजिड एंड या फिर रेरर टू डेंसर या फिर वेव इज गोइंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर ठीक है रिफ्लेक्शन किधर हो रहा है रिजिड एंड पे हो रहा है या फिर रेरर टू डेंसर मतलब एयर से वेव आ गया अभी वाटर में जाने का ट्राई कर रहा है एयर से वेव आ गया और वेव किधर जाने का ट्राई कर रहा है वाटर में तो वाटर में भी थोड़ा जाएगा उसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे तो जो वेव आएगा थोड़ा सा वाटर में जाएगा और थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्टेड के बारे में हम लोग थिंक कर रहे रिफ्लेक्टेड वेव कैसा होगा उसके बारे में हम लोग थिंकिंग करे समझ रहे समझ रहे ना तो रिफ्लेक्शन हैपेंस एट एंड या फिर वेव इज गोइंग फ्रॉम रेर टू डेंसर इधर का जैसा फर्स्ट पॉइंट है वैसा इधर यहाँ पे क्या होता है तो इधर फेस चेंज होता है 180 डिग्री का इधर भी होता है इधर फेज चेंज होता है 180 एटी डिग्री का इधर भी फेज चेंज होता है 180 एटी डिग्री का लेकिन लफड़ा यह है कि इधर क्रेस्ट गया तो ट्रफ आता है ट्रफ गया तो क्रेस्ट आता है इधर क्या होता है कॉम्प्रेशन गया तो वापस कॉम्प्रेशन ही आता है रेयर फैक्शन गया तो वापस रेयर फैक्शन ही आता है ठीक है क्रेस्ट गया तो ट्रफ आता है ट्रफ गया तो क्रेस्ट आता है लॉन्चिट्यूडनल लॉन्चिट्यूडनल में थोड़ा सा अलग होता है ये याद रखो थोड़ा सा चेंज है इधर फेस चेंज तो 180 का ही है लेकिन कॉम्प्रेशन जाने के बाद वापस कॉम्प्रेशन ही आता है रेयर फैक्शन जाने के बाद वापस क्या आता है रेयर फैक्शन ही आता है ठीक है ओके चलो और अगर ऐसा होता है तो एट फ्री एंड हो रहा है या फिर वेव इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर तो क्या होता है चलो फ्री एंड और वेव इज गोइंग फ्रॉम डेन्सर मीडियम टू रेरर मीडियम फ्री एंड पे हो रहा है या फिर वेव इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम तो इधर क्या होता है इधर नो फेस चेंज इधर भी नो फेस चेंज इधर फेस चेंज नहीं होता इधर भी फेस चेंज नहीं होता लेकिन इधर क्रेश जाता है वापस भी आता है क्रेश लेकिन इधर ऐसा होता नहीं इधर होता है क्रेश इधर जाता है कॉम्प्रेशन और आता है वापस है रेयर फैक्शन इधर जाता है कॉम्प्रेशन और रिटर्न आता है रेयर फैक्शन अगर रेयर फैक्शन जाता है तो आता है कॉम्प्रेशन ठीक है तो इधर फेस चेंज तो फेस चेंज दोनों केसेस में सेम है वन रिजिड पे वन रिजिड पे फ्री पे नो चेंज इधर भी फ्री पे नो no चेंज लेकिन इधर क्रेश जाके ट्रफ आता है इधर क्या है कॉम्प्रेशन जाके कॉम्प्रेशन ही आता है थोड़ा सा ये चेंज है इधर इधर क्रेश जाके क्रश आता है वापस इधर जाके रेयर आता है ठीक है एनसीआरडी में भी देखो एनसीआरडी में भी ऐसा ही है अपना जो बोर्ड बुक है उसमें भी ऐसा ही है चलो लेकिन एमसीक्यू के बुक्स में थोड़ा सा अलग अलग दिया होगा किधर तो लेकिन ऐसा ही याद रखो चलो ये वाला पार्ट भी लिखो फिर आगे जाएंगे चलो लिहन है कंप्लीट करा पूरे दो चलो हो गया तो मुझे डन सेंड करो आगे का पार्ट देखिए चला कि मैं डन पठवा पार्ट बो चलो ओके चलो नेक्स्ट क्या है देखो सुपर पोजिशन ऑफ चलो लिया थोड़ा सा थेरी हो गया ज्यादा अब थोड़ा सा थेरी का पार्ट देखना है उसके बाद न्यूमेरिकल्स चालू करू बहु आज होते न्यूमेरिकल्स चालू चांगली गोष्ट नहीं तो ट्यूज करू न्यूम्रिकल्स चलो नेक्स्ट क्या नेक्स्ट क्या सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स चला नेक्स्ट पॉइंट लिया सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स देखो नेक्स्ट पार्ट क्या सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है तो इसमें होते है? सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में होता क्या है तो देखो एकदम इंटरेस्टिंग है और ये वाला पार्ट वेव ऑप्टिक्स इंटरफरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑप्टिक्स में इंटरफरेंस एंड आईफ्रैक्शन आता है लाइट का इंटरफरेंस तो उसमें भी एकदम यूजफुल है तो अभी भी एकदम फुल कंसेंट्रेट करो देखो ये चैप्टर एंड वेव ऑप्टिक्स ये लाइट का चैप्टर है दो चैप्टर हैं उधर भी बोर्ड बुक में एक हो गया अभी पहले दो थे अभी एक हो गया सब रिलेटेड है वेव्स के वेव से रिलेटेड है तो ये पार्ट उधर भी यूजफुल होने वाला है और ये वाला पार्ट ऑलरेडी हुआ भी है एस एच एम में ऑलरेडी एस एच एम मध्य होते हैं तो क्या होता है देखो किधर यूज होता है ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स या फिर सुपर पोजिशन ऑफ साउंड वेव्स किधर यूज होता है बोस के जो स्पीकर से क्या उधर यूज होता है बोस का या फिर अदर कंपनीज का भी आता होगा मुझे बोस का पता है नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स क्या रहता है हेडफोन कैसा रहता है नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स रहता है तो उसमें ये होते रहता है कैसे होता है इसमें उसमें ये होते रहता है कैसे होते देखो तो हेडफोन क्या करता है हेडफोन लगाया तो बाहर का नॉइज कुछ भी नहीं आता ओनली गाना सुनाई दे देता है जो बाहर का जो नॉइज है कुछ भी नहीं आता अंदर ओनली गाना सुनाई देता है वॉल्यूम बढ़ाने के बाद नहीं वॉल्यूम कम है तो भी बाहर का नॉइज नहीं आता अपना रेगुलर हेडफोन क्या है तुम लोग वॉल्यूम बढ़ाओगे तो बाहर का नॉइज आएगा नहीं वो क्या करता है अंदर का वॉल्यूम इतना बढ़ता है कि बाहर का बहुत छोटा रहता है उसके सामने तो सुनाई नहीं देता वो अलग चीज है कहते ना तुम जो रेगुलर हेडफोन है तुम्हें क्या करता फुल एकदम फुल लाउडनेस एक वर चालू करता मत लाउडनेस एवडा है कि ते बाहर का साउंड एवडा छोटा होता है कि ऐकू ये वो नॉइज कैंसिलिंग नहीं है नॉइज कैंसिलिंग अलग रहता है क्या रहता है बोलता हूँ अभी मैं नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स कॉस्टली रहता है 18000 के आसपास रहता है एक पेयर 18000 के आसपास रहता है एकदम कॉस्टली असते थे, थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा जो हेडफोन है घर का उसमें ऐसा भी हो सकता है कि हेडफोन इतना जोर से इधर एवडा जोरात कर्कचून इथं कानावर बसला हेडफोन की बाहेरचा आवाजच एकदम कमी यायला लागला आणि त्याच्यात आवाज वाढवला त्याच्यामुळे तुम्हाला वाटलं की बाहेरचा आवाजही न झाला तो व नॉईज कॅन्सलिंग नाहीये तो नॉइज कॅन्सलिंग मे क्या होता है नॉईज कॅन्सलिंग मे क्या होता है अब मुझे पता नहीं उससे सस्ता आता है क्या नहीं एटीन थाउजेंड के सस्ता आता है क्या नहीं जो पता नहीं है लेकिन बोस का मैंने एडवर्टाइज वगैरह एक बार देखा था तो एटीन थाउजेंड का था वो अब उससे सस्ता शायद होता होगा पता नहीं ओके तो क्या है मैं क्या बोल रहा हूं हाँ करता कैसा काम है ऐसा होता है सुपरपोजिशन ही होता है उसमें तो सुपरपोजिशन और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा

बाकी लेक्चर को दुसरे ऐप वगैरह नॉइज मैं नॉइज कैंसले फैन ऐसी तो आवाज तो अगर वो फैन चालू है तो हेडफोन क्या करता है कैलक्युलेट करता है किधर किधर का साउंड आ रहा है हवा चालू है इतना स्पीड से तो हवा का एक नॉइज है बार का हवा घू ट्राफिक चल रहा है रेगुलर ट्राफिक है रेगुलर ट्राफिक उसका एक आवाज फैन आवाज टू तो ऑल जितना भी साउंड आ रहा है उसका एक प्रोफाइल बनाता है हेडफोन क्या करता है उसका एक प्रोफाइल बनाता है तो समझो ये बाहर से साउंड आ रहा है ऐसा बाहर से साउंड आ रहा है ठीक है तो ये बाहर से साउंड आ रहा है और कान के अंदर जा रहा है इधर से बाहर से आ रहा है और कान के अंदर जा रहा है ठीक है तो हेडफोन चेक करता है कैसा साउंड है बाहर का साउंड बाहर का जो साउंड का वेव आ रहा है उसका वेव कैसा है ऐसा है क्या ठीक है तो हेडफोन क्या करता है बराबर उल्टा वेव प्रोड्यूस करता है पाई फेज डिफरेंस वाला तो हेडफोन क्या करता है बराबर पाई फेज डिफरेंस वाला बराबर उल्टा वेव प्रोड्यूस करता है अंदर हेडफोन के अंदर खुद प्रोड्यूस करता है गाना तो बजाता ही है हेडफोन क्या करता है जो गाना हम लोग लो प्ले कर रहे हैं वो तो बजाएगा ही उसके साथ और एक वेव एक्स्ट्रा करता है कि जो बाहर का जो नॉइज आ रहा है उसके बराबर उल्टा है पाई फेज डिफरेंस है तो ये ओरिजिनल वेव है बाहर से आ गया नॉइज है ये और हेडफोन क्या करता है बराबर उल्टी वेव तैयार करते हैं तो हेडफोन क्या करता है बराबर एक उल्टा वेव अंदर प्रोड्यूस करता है तो ये क्रेस्ट के साथ इधर का ट्रफ कैंसिल होता है ट्रफ बराबर क्रेस्ट कैंसल 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 कैंसिल कैंसल कैंसल तो बाहर का जो नॉइज आता है तो जो बाहर का नॉइज आता है उसके साथ ये अंदर का वेव सुपर इम्पोज होता है इनका क्या होता है सुपर पोजिशन होता है जो बाहर का वेव है उसके साथ अंदर का वेव का सुपर पोजिशन होता है सुपर पोजिशन मतलब मिक्स होता है समझ रहा है अभी सुपर पोजिशन क्या है तो जो बाहर का नॉइज आ रहा है उसका बराबर उल्टा एक वेव अंदर प्रोड्यूस करता है हेडफोन और दोनों का क्या होता है हेडफोन के अंदर पस सुपर पोजिशन एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप होता है तो ये बराबर उल्टा साउंड है तो एक दूसरे को कैंसिल करता है तो अंदर बाहर का साउंड आता ही नहीं तो अंदर बाहर का साउंड आता ही नहीं है अंदर क्या बजता है बस गाना बजता है ढिंच गाना बजता है हाँ लेकिन इरेग्युलर अगर साउंड है तो फिर नॉइज कैंसिल नहीं होगा अगर इरेगुलर साउंड है किसी ने हॉर्न बजा दिया पॉपॉ पॉपॉ हॉर्न बजा दिया तो ये रेगुलर नॉइज में अलग से अचानक एक नॉइज आ गया रेगुलर नॉइज में अलग से अचानक एक बाहर से नॉइज आगा तो वो कैंसिल नहीं होता हेडफोन को क्या करना पड़ता है प्रेडिक्ट करना पड़ता है आगे कैसा साउंड आएगा तो पुराना जो साउंड है वैसा ही वो प्रोड्यूस करते रहता है मैं अचानक को हॉर्न वगैरह वाजौला मगुन पॉप पे अनएक्सपेक्टेडली आवाज आते मत कैंसिल होते नहीं जो रेगुलर नॉइज है वो कैंसिल होता है ठीक है तो यह ऐसा है हम्म hmm. ओके okay. तो इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन इसको क्या बोलते हैं सुपर पोजिशन ठीक है और एक एग्जाम्पल देखो सुपर पोजिशन का और एक एग्जाम्पल एक देखो अशी एक, है. है? एक लंब वाक्य है स्ट्रिंग है स्ट्रिंग स्ट्रिंग वर इकड़ एक वेल चल स्ट्रिंग वर इकड़ एक वेव चल ली इसका एम्प्लीट्यूड है टू सेंटीमीटर और इधर से एक व्यवहार है इधर का एम्पलीट्यूड है थ्री सेंटीमीटर देखो क्या आ रहा है देखो क्या रहा है स्ट्रिंग पे इधर से एक क्रेस्ट आ रहा है थ्री सेंटीमीटर का इधर से एक क्रेस्ट आ रहा है टू सेंटीमीटर का इकड़े चल रहा है ये इकड़े चल रहा तो जब ये दोनों ओवरलैप होता है जब ये इधर का क्रेस्ट और इधर का क्रेस्ट ओवरलैप होता है तो कितना होगा एम्प्लिट्यूड आला न, आला एम्प्लिट्यूड इकडलाट्यूड कितनी तो उसको बोलते हैं सुपर पोजिशन दोनों एक दूसरे पे सुपर पोजिशन होता है एक दूसरे पे मिक्स होता है तो एम्प्लीटूड कितना होता है ये भी वर्टिकल अपवर्ड है ये भी अपवर्ड है तो थ्री प्लस टू एम्पलीट्यूड होता है फाइव तो एम्प्लिट्यूड कितना होता है फाइव मैं ये इकड़ो लेना ये इकड़ो लेना राशि और जब इनका ओवरलैपिंग होगा तो क्या होता है एम्प्लीट्यूड बनता है फाइव सेंटीमीटर एम्प्लीट्यूड कितना होता है फाइव सेंटीमीटर इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन पोजिशन ये लगा बोलते हैं इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ठीक है अगर ऐसा है इधर है क्रेस्ट है टू सेंटीमीटर का क्रेस्ट है इधर थ्री सेंटीमीटर का ट्रफ है इधर से ही आएगा इधर से आएगा तो यहां पे क्या होगा और कितने सेंटीमीटर का ट्रफ होगा दो सेंटीमीटर का क्रेस्ट होगा वन सेंटीमीटर का क्या होगा और कितने सेंटीमीटर का होगा चला कमेंट करो और इसको ड्रॉ भी करना है हेडिंग ऑफ वेव्स इसको ड्रॉ करो और बोलो मुझे कमेंट करो क्या प्रोड्यूस होगा इधर जब ओवरलैपिंग होगा तो इधर क्या होगा बोलो चला बोला सर्वानी कमेंट करा दा कमेंट करा कमेंट करा थेरी आज भरपूर तो क्या होता है ट्रफ होता है झोप लगते का रे तुम्हारा मध्य मध्य मैं विचार लो ना तो इधर से ये जा रहा है अभी क्रेस्ट इधर से आ रहा है ट्रफ तो दोनों जब ओवरलैप होगा तो क्या होगा वो फोलने का है तो क्या होता है तो क्या होता है ट्रफ होता है ट्रफ ट्रफुन गेला टू सेंटीमीटर हाइट इकड़न गेला तीन सेंटीमीटर का खड्डा तो इधर क्या होता है खड्डा होता है खड्डा ट्रफ होता है ट्रफ कितने का कितने का ट्रफ वन सेंटीमीटर का ट्रफ होता है तो ये आता है इधर ये आता है इधर जब दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप ओवरलैप होता है तो वन सेंटीमीटर का ट्रफ होता है फिर ये अपना अपना निकल जाता है आगे और फिर ये भी अपना अपना निकल जाता है मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहेगा ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखो वाह हे लक्ष्य डेवा वाह क्या क्या बोला लो, तो इधर से ट्रफ आता है थ्री सेंटीमीटर का ये टू सेंटीमीटर का अपना 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 जब ओवरलैपिंग होता है तब ये प्रोड्यूस होता है फिर ये ट्रफ अपना अपना नीचे से निकल जाता है ये क्रिस्ट अपना अपना ऊपर से निकल जाता है तो इंटरेक्शन नहीं होता एक दूसरे को परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं करता जब ओवरलैपिंग होता है इसका और इसका जब ओवरलैपिंग होता है तब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करता है वन सेंटीमीटर का ट्रफ होता है इधर से आएगा ये इधर से आएगा ओवरलैपिंग होगा डिस्ट्रॉय करेगा यहाँ पे रहेगा बस one. फिर ये अपना अपना आगे चला जाएगा थ्री ओवरलैपिंग के वक्त one. Overlapping होने के बाद ये two अपना अपना जाएगा परमानेंटली डैमेज नहीं करता ये इसको परमानेंटली डैमेज नहीं करता ओवरलैपिंग होता है तब थोड़ा सा डैमेज होता है फिर ये अपना अपना जाता है ये अपना अपना जाता है ठीक है चला ड्रॉइंग कर ड्रॉइंग करा चला ड्रॉइंग करा चला ड्रॉइंग झालं की डन पार्ट ऑफ पुढचा पार्ट बघू मग सुपर पोझिशन थेरी कंप्लीट करून टाकू झालेलं आहे आपल्याला सुपर पोझिशन थेरी काय करू कंप्लीट करून टाकू हा पार्ट झाला नव्हता पण याच्या पुढचा पार्ट जे आहे ते झालेला आहे तो थेरी कंप्लीट करेंगे और फिर लेक्चर बंद करेंगे सुपर कंप्लीट करू ट्रेण ट्रेण। पेपर मधे फिर बीट सुपर पोजिशन पेपर में नहीं है सुपर पोजिशन इवन रिफ्लेक्शन भी नहीं है पेपर में पेपर में पहला दो बीट्स है ये सुपर पोजिशन नहीं दिंग 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 दिंग। चला झालं बर घेऊ ना पुढचं जरा पुढचा पार्ट घेऊ ना थोडं थेरी झाल्यास पूर्ण लेक्चर मध्ये थोडासा कंटाळ येऊ शकत पण सोपा आहे पुढचा पार्ट करून टाकू कोणता पेपर फिजिक्सचा पेपर उद्या फोर ओ क्लॉक फिजिक्सचा पेपर फिजिक्सचा पेपर उद्या फोर ओ क्लॉक झालं ना आपलं डिसाईड गेलं टूजेला वेनसडे चलो तो फाइनल करने का भी देखो ऑलरेडी हुआ ही है, ऑलरेडी आपला, आप देखो थोड़ मैं फास्ट करू का था? सा फास्ट तो? थोड़ा सा फास्ट संगरी तो पार्ट का ऑलरेडी ऑलरेडी है देखो कैसा है तो इधर से एक सोर्स ऑफ साउंड है इधर एक सोर्स ऑफ साउंड है दो सोर्सेस ऑफ साउंड है और ये स्क्रीन है स्क्रीन की गरज नहीं है स्क्रीन की गरज नहीं फैला तुम्हारा दाखा लो तो इधर एक सोर्स ऑफ साउंड है इधर से वेव आ रहा है ऐसा 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 तो इधर से जो इस पॉइंट पे वेव आ रहा है ये साउंड के सोर्स से इधर से ऐसा वेव आ रहा है और इस पॉइंट पे जो वेव आ रहा है वो क्या है वो है y1 वन इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा ठीक है तो इधर से एक साउंड का वेव आ रहा है और इस पॉइंट पे जो वेव है इस पॉइंट पे ओनली पॉइंट का चाहिए पूरा अगर वेव का इक्वेशन चाहिए तो अंदर एक्स आएगा क्या बोलते पूरा अगर वेव का इक्वेशन चाहिए तो अंदर एक्स आएगा पूरे वेव का इक्वेशन मुझे नहीं चाहिए ये जो पॉइंट है उसका ही मुझे इक्वेशन चाहिए समझ रहा है इधर से जो वेव आ रहा है उसके वजह से ये पार्टिकल इधर का पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है उसका ही मुझे इक्वेशन चाहिए तो ऐसा आता है अगर पूरे वेव का, का चाहिए तो अंदर एक्स भी आएगा पूरे वेव का नहीं चाहिए इक्वेशन ये जो पार्टिकल है उसका इक्वेशन चाहिए तो ऐसा है तो ये जो वेव आ रहा है इसका एम्प्लीटूड कितना है एवन है ये जो वेव आ रहा है इसका फ्रीक्वेंसी कितना है ओमेगा है ये जो वेव आ रहा है यहां पे आने के बाद उसका फेज इनिशियल फेज कितना है अल्फा वन है ठीक है मतलब है, जैसा ही दिखता है तो इधर से एक वेव आएगा तो उसके वजह से ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो इस पार्टिकल का इक्वेशन कैसा रहेगा इधर से जो वेव आ रहा है वेव के इक्वेशन में एक्स भी रहेगा टाइम भी रहेगा वेव के इक्वेशन में एक्स और टाइम दोनों रहेंगे लेकिन इधर का ये जो वेव आ रहा है और वेव आने के बाद ये पार्टिकल वाइब्रेट होगा बस पार्टिकल का इक्वेशन चाहिए तो ओनली टाइम आएगा तो बिकॉज ऑफ दिस वेव ये पार्टिकल का इक्वेशन कैसा है ऐसा है तो दोनों का इपोक अलग अलग है बगा व्यवस्थित समूह दोनों वेव्स इधर से जो वेव आ रहा है और इधर से जो वेव आ रहा है दोनों वेव्स का इपोक अलग अलग है फ्रीक्वेंसी सेम है फ्रीक्वेंसी सेम है एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो ये वेव और ये वेव दोनों एक दूसरे में जब मिक्स होता है ये वेव और ये वेव दोनों एक दूसरे में मिक्स होता है तब एक नया वेव होता है उसका एम्प्लीट्यूड रहता है आर वो भी साइन रहता है उसका भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, उसका इनिशियल इपोक फाइव एस एच एम मध्य एस एच एम मध्य ना कॉम्बिनेशन ऑफ टू एस एच एम वैसा ही है रिपीट कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स, एस एच एम जैसा ही इक्वेशन है पार्टिकल से इक्वेशन है एस एच एम तो ये एक अलग एस एच एम है ये एक अलग एस एच एम है दोनों का कॉम्बिनेशन ये नया एस एच एम है ये असन मनता है एक वेव है दोनों वेव च कॉम्बिनेशन ही नवीन नव है इक्वेशन कुछ पार्टिकल साम सारे वेव का इक्वेशन किसके लिए है एक अकेला पार्टिकल के लिए इस पार्टिकल के लिए तो इसलिए वो एस जैसा दिख रहा है तो ये एस है ये अलग एस है दोनों का मिक्सिंग होने के बाद यह नया एस है तो आर का फॉर्मुला बोलो क्या है आर कि मग रिजल्ट एम्पलीट्यूड दोनों शम का मिक्सिंग होने के बाद दोनों वेव्स का मिक्सिंग होने के बाद जो नया एम्पलीट्यूड है कितना है तो वो रहता है रूट ऑफ फर्स्ट एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्लस सेकंड एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्लस टू 2 फर्स्ट एम्पलीट्यूड सेकंड एम्पलीट्यूड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम ठीक है तो फर्स्ट वेव का एम्प्लीट्यूड ए वन है सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड ए टू है तो एडिशन का रिजल्टेंट वेव का रिजल्ट कितना है ऐसा है पुराना फॉर्मूला हो गया था एस एच एम में वैसा ही आ गया है वापस रिपीट ठीक है फर्स्ट एम्पलीट्यूड स्क्वायर सेकंड एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्लस टू इंटू एवन इंटू इंटू कॉस्ट ऑफ अल्फा वन माइनस अल्फा टू ओके इसका एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ट्यूसडे कल तो पेपर है ट्यूसडे के पेपर में इसका एप्लीकेशन करेंगे तो और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा फाइव कैसे निकालने का बोला फाइव फाइव कैसे निकालने का तो टैंक के लिए भी फॉर्मूला हो गया था टैंक के लिए फॉर्मूला क्या ए ए वन 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 साइन अल्फा उसका उसका अल्फा वन का साइन प्लस ए टू उसका उसका अल्फा टू का साइन डिवाइडेड बाय ए वन कॉस अल्फा वन प्लस ए टू कॉस अल्फा टू ऊपर नीचे ऑलरेडी 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 इधर भी इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा चलो ये भी लिखो ये भी लिखो पूरा लिखो बस ये और एक बार रिपीट करता हूं मैं और फिर इसके बाद लेक्चर खत्म इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे ट्यूसडे तो और क्लियर हो जाएगा चला लिख लाला लिहून घ्या लिहून घ्या मग बाय ऐ ऐ वैष्णवी लिहून घ्यान मग बाय पहिलाच बाय कुठला Mm -hmm. Mm -hmm. चला और एक बार मी वाला करण्यास इसका हे लिहून घ्या पटापट पड़। याचं रिव्हिजन करू आणि मग लेक्चर बंद करूया चला झालं का रे बोलू परत mhm 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 चला बोलो देखो तो एसएचएम में एसएचएम में ऑलरेडी कॉम्बिनेशन ऑफ एस एच एम हुआ था एस एच एम में ऑलरेडी कॉम्बिनेशन ऑफ एस एच एम हुआ था वही मैंने इधर रिपीट लिखा है तो दो एस एच एम का कॉम्बिनेशन हो गया तो रिजल्ट एंड एम्प्लीट्यूड क्या रहता है ऐसा रहता है फॉर्मुला ऑलरेडी हुआ है दो एस एच एम का कॉम्बिनेशन हो गया तो इनिशियल इपोक क्या होता है तो इनिशियल इपोक के लिए ये फॉर्मूला है तो ऑलरेडी हुआ है लेकिन ये SHM जैसा कैसे हो गया ये तो, है. या सारके ले तो अगर हर एक पॉइंट का इक्वेशन लिखना है तो अंदर एक्स आता है हर एक पॉइंट का वेव के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है हर एक पॉइंट का इक्वेशन लिखना है तो अंदर एक्स आता है लेकिन मुझे क्या चाहिए वेव इधर आने के बाद

थोड़स डोक जड़ ओनली थेरी आज न्यूमरिकल्स नहीं लेकिन इसको क्या करेंगे इसके ऊपर न्यूमरिकल्स करेंगे ट्यूसडे तो एकदम क्लियर हो जाएगा ठीक है चलो कुछ अंडरस्टैंड हुआ नहीं है तो बोलो नहीं तो बंद करो चला बोला अंडरस्टैंड ना सांगा, जब बंद करा थोड़ा डोक जड़ा पर रीड करा आज का रीड करा नेक्स्ट लेक्चर में क्या करता हूँ पूरा रिवाइज करता हूँ ट्यूजडे कल पेपर है फोर ओ क्लॉक इवनिंग फोर ओ क्लॉक पेपर एक ठीक है ओके okay. चलो बाय बाय